तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की ताज़ा बड़ी खबरों में। दोस्तों आज की ताज़ा बड़ी खबरों में कोरोना महामारी को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही जो कि बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान की 8वीं किस्त कब आएगी और मिलेगी या नहीं मिलेगी ऐसे चेक करें, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, दोस्तों आपको बता दें कि पीएनबी में इन पदों पर आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, बिना एग्जाम के पास हो सकते हैं और नौकरी जल्द अप्लाई करें, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बेटियों की शादी के लिए LIC की खास स्कीम, हर दिन 130 रुपये जमा कर पाइए 27 लाख, बिना टेंशन पाइए कन्यादान, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, दोस्तों आपको बता दें कि आधार कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियां, घर बैठे महज एक कॉल से होगी दूर, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, दोस्तों आपको बता दें पत्नी के नाम पर खुलवाए PPF अकाउंट, टैक्स में छूट के साथ 51 लाख तक रिटर्न पाने का मौका, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, दोस्तों आपको बता दें कि LPG गैस सिलेंडर 809 रुपये वाला रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 9 रुपये में खरीदने का मौका, ऐसे उठाए फ़ायदा, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP में रविवार को लॉकडाउन, मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल बनता है। तो आइए जानते इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और UP में पंचायत चुनाव के बीच 11 करोड़ 77 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त इसी महीने आखिरी तारीख में 2 मई को मतगणना के बाद कभी भी आ सकती है। आपको बता दें कि सरकार फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए लाखों किसानों की किस्त रोक रही है। आपको बता दें कि ऐसे में आपके लिए आज जानना जरूरी कि आने वाली किस्त आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें कि इससे जानने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करना पड़ेगा। अगर किस्त रुकी है तो इसकी वजह क्या है, जिन कारणों से किस्त नहीं आए उन्हें ठीक कर पाए या अगली किस्त को पा सकेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें ऐसे में तमाम सवालों को भी जानने के लिए इस स्टेप को फॉलो करें। बता दें कि योजना शुरू होने से लेकर मोदी सरकार अब तक 2000 रुपये की 7 किस्तें दे चुकी है, अब तक 8वीं किस्त आनी है। आपको बता दें इस योजना में रजिस्ट्रेशन किसानों को हर साल 6000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि हर पिता की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी की शादी होती है। आपको बता दें कि पढ़ा लिखा कर किसी अच्छे घर में बेटी की शादी हो जाए, हर पिता की ये तमन्ना होती है। आजकल किसी अच्छे घर में शादी के लिए बड़े खर्च की ज़रूरत होती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि साधारण आदमी तो उस बड़े खर्चे के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आपको बता दें कि साधारण आदमी एक एक पाई जोड़कर उस दिन के लिए पैसा जमा करता है जब वह अपनी बेटी का कन्यादान करेगा। आपको बता दें कि इस साधारण लोगों की मदद के लिए देश में इंश्योरेंस सेक्टर की सर्वोत्तम सत्यन LIC की एक खास पहल है। आपको बता दें कि LIC ने बेटियों की शादी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण स्कीम शुरू की है। दोस्तों आपको बता दें कि इस स्कीम को कन्यादान पॉलिसी के नाम दिया गया और पॉलिसी के 25 साल पूरे होने के बाद ये 27 लाख रुपए मिलेंगे और बेटी की शादी के लिए ये रकम प्राप्त हो सकती है और कोई भी माता पिता खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों आपको बता देंगे सरकारी से लेकर प्राइवेट हर काम के लिए आजकल आधार कार्ड ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर इसमें से नाम एक्स गलत हो जाता है तो कोई गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको बता दें वेरिफिकेशन के लिए दिक्कत आती है। दोस्तों आपको बता दें इस इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए बेहद ज़रूरी आधार कार्ड जुड़ी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए
यूआईडी की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। आपको बता दें कि जिसके जरिए आप घर बैठे महज एक कॉल से अपनी समस्याओं को दूर कर सकेंगे। आपको बता दें कि ये नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहता है, साथ ही पूरी तरह से निःशुल्क होता है। अच्छी बात यह है कि टोल फ्री नंबर की इस भाषा में है उपलब्ध, इसलिए आप भी अपनी क्षेत्रीय भाषा को चुनकर आधार कार्ड से गलती जानकारियां दे सकते हैं और अपनी जो भी गलतियां हैं उससे आप अपने घर बैठे हैज के आराम से इसको सुलझा सकते हैं। आपको बता दें कि 1947 नंबर पर करेगा समस्या को दूर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि PPF में निवेश में पैसे की गारंटी सरकार लेती है। ये एक लॉन्च टॉर्च स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसका मकसद सेल्फ अकाउंट लोगों की आजकल रिटायरमेंट सिक्योरिटी देना है। आपको बता दें कि SBI इनकम टैक्स का आज के सुझाव है कि सरकार सबसे पहले इसमें 15 साल के लोग इन प्रीमियम को हटाए और उनका सुझाव है। आपको बता दें कि सरकार एक निर्धारित समय के भीतर आज के इसमें से पैसे निकालने की छूट दे रही है। हालांकि इस कल्चर को प्राइवेट नहीं करने के लिए फाइल चार्ज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि LPG गैस सिलेंडर ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आपको बता दें कि 809 रुपये वाला आप सिर्फ 9 रुपये में खरीद सकते हैं। पेटीएम दे रहा है आपको शानदार मौका। आइए जानते हैं इसका फायदा। तो वर्ष 2021-22 की शुरुआत हुई है नए वित्त वर्ष के पहले। आपको बता दिए LPG गैस सिलेंडर की जो कीमतों में 10 रुपये की कटौती की गई थी। इस कटौती के बाद ये दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 kg वाले LPG गैस सिलेंडर का दाम घटकर आज 809 रुपये हो गया। अगर आप सस्ते में घरेलू गैस सिलेंडर की सोच रहे तो आपके लिए खास शानदार मौका है। आपको बता दें कि सिलेंडर खरीदने के लिए पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया। इस बम्पर ऑफर के तहत ग्राहकों को 809 रुपये वाला गैस सिलेंडर केवल 9 रुपये में मिल सकता है। पेटीएम ने जो कि कैशबैक ऑफर की शुरुआत की, इस कैशबैक ऑफर में आपको बता दें कि हर तरह से अगर कोई ग्राहक गैस सिलेंडर बुक कराता है तो उसे 800 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। पूरा हो सकता है। आपको बता दें कि पेटीएम का ये ऑफर 30 अप्रैल 2021 तक के लिए। इसका मतलब है कि इसी महीने में आपके पास सस्ता LPG गैस सिलेंडर का खरीदने का मौका है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए आपको बता दें कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में रविवार को साप्ताहिक पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि मास्क नहीं पहनने वालों को 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी किए जाएंगे। आपको बता दें कि अवकाश सेवाओं और छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन दिनों सभी जिलों बाजारों में व्यापार सत्र पर सभी बंद रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप भी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो PNB आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका लेकर आया है, जो कि आप है जी कल इसकी आखिरी डेट है। और आप अगर नौकरी इच्छा झुक है तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय के मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी रविवार को लॉकडाउन का ऐलान हो गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश बंद रहेगा। इस दौरान आज की केवल इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान हर जिले में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर का काम होगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही योगी सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर बड़ी सख्ती दिखाई है। दोस्तों इस समय आपको बता दें कि मास्क नहीं पहनने पर जो पहली बार 1000 रुपये वसूला जाएगा और जबकि दूसरी बार नियम तोड़ने पर जो 10000 रुपये देने होंगे। ये आपको बता दें कि इस समय आज के कोरोना को रोकने के लिए उठाए गए सबसे बड़े कदम हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आज के देश में कोरोना का तांडव मच रहा है। लगातार आज के लाखों की तादाद में आज के नए केस आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि रोजाना देश की सभी बड़ी खबरें फटाफट जानने के लिए अभी वीडियो को
लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।